students, in this video I am going to tell you how to qualify NEET exam 2018 with some tips, and I am just here to boost your energy, also motivating yourself. How can you motivate yourself? I am giving you some tips that you can motivate yourself for this NEET exam 2018. So here it is about to go on 6 May 2018. Just 20 days are left in this exam. तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को स्ट्रेस हो गया कि इतना सारा सिलेबस है हम कैसे करें, इतना सारा सिलेबस हम कैसे कवर करें 20 दिन के अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो सब कुछ एक साथ करना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 20 डेज को आप 20 डेज ना काउंट करके उनके अंदर जो आवर्स हैं अगर वो काउंट करें तो क्या होगा, तो 20 डेज इनटू 24 आवर्स पर डे इट इज अराउंड 480 आवर्स। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 480 आवर्स। ठीक है, आप पूरे दिन तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर मैं एक लगाऊं कि एक दिन के अंदर 6 से 8 घंटे आप पढ़ते हो, मैं लगाती हूँ एवरेज, अगर आप 8 आवर स्टडी करते हो तो 8 आवर इनटू 20 डेज यू आर हैविंग 160 आवर्स। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप डेज मत देखो, आप आवर्स देखो। तो उससे क्या होगा कि हम माइंड में ये आएगा कि बहुत सारे घंटे जो है मेरे पास पढ़ने के लिए है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मेरी आपके लिए ये है, सबसे पहले तो हम उन क्वेश्चंस, उन चैप्टर्स को एक्चुअली सेलेक्ट कर लें जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, फ्रॉम बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक, जेनेटिक्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी। दीज चैप्टर्स आर हैविंग हाईएस्ट वेटेज इन दिस फ्रॉम द पोर्शन ऑफ बायोलॉजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स, फ्रॉम फिजिक्स कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास, वेव, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन। These chapters are also having highest weightage of marks from physics portion. The next comes chemistry, chemical bonding, coordinate compounds, biomolecules and chemistry in everyday life, halogens, ketones and etc. It is having the highest weightage from the part of chemistry. Now, these were some important topics which you have to do from their extreme level. Extreme ka matlab unke andar, unki jad tak jaake to padhna hai. Jad tak kyun jana hai? Because aapko pata hai ki exam mein negative marking bhi hai. To negative marking honne se mein nuksan kya hota hai? कि हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर हम उसके एक्सट्रीम तक नहीं गए और एक्सट्रीम तक का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ये जो चैप्टर्स अगर आपको पता नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं तो हम क्या करना चाहिए, तो हमें इनको एटलीस्ट जब तक पढ़ लेना चाहिए। सेकेंडली मैं बात करती हूँ, तो कुछ फर्स्ट टिप थी मेरी कि जो हाईएस्ट वेटेज के क्वेश्चन हैं, हाई वेटेज, वो हमें करने चाहिए। सेकेंड टिप मेरी ये है कि आप सबसे पहले देखो आपके लिए ईजी क्या है और डिफिकल्ट क्या है। सबके लिए इजी और डिफिकल्ट का पैटर्न थोड़ा अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि मेरे लिए कोई चीज इजी है बट आपके लिए वो डिफिकल्ट हो, आपके लिए वो इजी, मेरे लिए डिफिकल्ट हो। तो जो आपको इजी लगता है, जो आपको अच्छे से आता है, वो सबसे पहले करें इजी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू विल गो फॉर द डिफिकल्ट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमें एक्सट्रीम तक जाना है, हमें मेन डेप्थ तक उसको पढ़ना है, तो जो हमें आता है वो हम जल्दी से अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मेरी सेकंड टिप ये है कि आप सबसे पहले इजी पढ़ें, उसके बाद हम डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। तो एज आई थिंक यू आर गोइंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड यू हैव प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, तो योर सिलेबस इज जस्ट ओवर। तो थर्ड टिप इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम यू हैव टू गो फॉर द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको करने ही करनी है। अगर मैं कहूंगी 20 दिन है, 20 दिन में से इट इज डेफिनेटली दैट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर यू हैव टू गो फॉर द मॉक टेस्ट पर डे। एंड आफ्टर डूइंग द मॉक टेस्ट यू जस्ट टेक द पेपर, सॉल्व इट एंड गिव इट टू समबडी एल्स टू सी द सॉल्यूशन। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सोचती हूँ और देखे आपको कोई और सॉल्व करके दे, ताकि वो टाइम आपका पढ़ने के लिए बच जाए, रिविजन के लिए बच जाए। आप रिविजन ऐसा कीजिए कि आप 1 घंटे में 2 चैप्टर रिवाइज कीजिए, 3 कीजिए, जो आपको आता है वो जल्दी होगा रिवाइज, जो नहीं आता है वो थोड़ा सा देर से रिवाइज होगा। जो आपको चैप्टर्स नहीं आते हैं 1 से 2 घंटे रखें उनके लिए, जो चैप्टर्स नहीं आते हैं स्टडी के लिए। बट कंटिन्यूअसली यू हैव टू गो फॉर द वन मोर थिंग, यू हैव टू गो फॉर, आई एम मेंटेनिंग अ कॉलम ओवर हियर बट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट कंटिन्यूअसली यू हैव टू डू। यू हैव टू डू दोज चैप्टर्स विच आर इजी एंड दे आर रिविजन डेली। टिप नंबर 2, डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए आपको 2 घंटे स्टडीज को देने ही देने हैं। माय टिप नंबर इज 3, नाउ यू हैव टू गो फॉर मॉक टेस्ट एवरी डे। हर मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, 180। तो अगर आप 180 क्वेश्चन 20 डेज में डेली कर रहे हैं,
180 into 20, 3600 questions आपके 20 दिन के अंदर हो जाते हैं. This is a very good amount of questions which will be helpful for qualifying the NEET examination. So these most important 3 tips from my side, from Nidhi Chawla side, that you can do this just before these 20 days of the exam. And rest of the other things, what you can do, just keep on watching, just stay tuned, because I am going to help you in some other topics also. So these are the tips. Just keep on doing these all tips, following these all tips. Thank you. Have a nice time from me. Ciao.